हेलो, दिस इज़ रोहन फ्रॉम मोमेंट्स बाय आरजे। तो आज हम देखेंगे कि स्मार्ट सिलेक्शन लिंक के थ्रू सिलेक्शन कैसे करना है। तो जैसे आपके फ़ोटोज़ रेडी हो जाएंगे, हम आपको ऐसे स्मार्ट सिलेक्शन की लिंक भेजेंगे या ऐसे उसका मैसेज दिखता है। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वो लिंक ओपन करनी है। आप जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, वो लिंक आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो ये उसका लुक एंड फील है। हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर हमारा नाम है, लोगो है, कितना टाइम रिमेनिंग है इस लिंक को एक्सपायर होने के लिए वो दिया है, ये फोल्डर के नाम है। अगर मल्टीपल फोल्डर रहेंगे तो मल्टीपल ऐसे नाम दिखेंगे और चेकबॉक्स आएंगे। तो आप पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करके उसमें से फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट फोल्डर के ऊपर आप जा सकते हो। अगर आपने सब सिलेक्टेड रखे तो सभी फोल्डर लाइन वाइज दिखते जाएंगे आपको। तो ये वो फोल्डर है। यहाँ पर राइट में आपको ऑप्शन आएगा कि कितने फ़ोटो आपके है, कितने सिलेक्ट किए हैं, कितने अनसिलेक्टेड है। तो आप देखो कि मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करके सब फोटोज़ एक ही बार में ऐसे देख सकता हूँ। जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ओपन हो जाएगा। और समझो आप बॉटम में आ गए और आपको टॉप पे जाना, तो यहाँ पे ऐसे एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप टॉप में आ जाओगे। तो अभी हम बॉटम में देखते हैं। बॉटम में जो फुटर है वहाँ पर आपको दिखेगा 25 में से 0 फोटो अभी तक सिलेक्टेड है। मैंने क्लिक किया, 1 फोटो सिलेक्टेड फ्रॉम 25। ये यहाँ पर ऊपर भी देखो आपको दिखेगा सिलेक्टेड 1। तो आप जैसे जैसे आपको पसंद आया आप ऐसे फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे फ़ोटो सिलेक्ट किए, समझो मुझे ये वाला फ़ोटो पसंद आया, मुझे ये वाला पसंद आ गया। तो आप नीचे देखोगे 5 out of 25, 5 फ़ोटो सिलेक्ट हो गए। अभी मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पे कि देखो कमेंट का ऑप्शन आया। तो जो फ़ोटो आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए वो कमेंट का ऑप्शन आता है। देखो इस फ़ोटो के लिए वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा वो ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ, प्लीज़ मेक अ कॉपी ऑफ दिस फोटो टू ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने ऐसे कमेंट किया और ये सेव कर दिया। तो ये कमेंट हमको आ जाएंगी जैसे सिलेक्शन ख़त्म होता है। तो अभी 7 फ़ोटो सिलेक्ट हो गए, मैंने इसको सेव कर दिया। और अभी मुझे समझो कुछ काम अचानक याद आ गया और मैं ये फ़ोटो इतना ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मेरा फ़ोटो अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो भी सिलेक्शन है बाकी है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने यहाँ पर रुक गया और मेरा जो भी काम है वो काम करके मैं वापस आया, कल आया, परसों आया, आधे घंटे के बाद आया। उसके ऊपर फिर से मुझे उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैं फिर से उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो जो लिंक है फिर से ओपन हो जाएगी। फिर से आपको करंट टाइम दिखेगा कि कितना बाकी है और आपके ये जो 7 फ़ोटो सिलेक्टेड है वो वहाँ पर दिखेंगे। देखो नीचे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वो सेव किया था। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सिलेक्शन सेंड एक बार करना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट टाइम आया, मैंने ये 2 फ़ोटो सिलेक्ट किए, मुझे इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं नीचे चला गया। नीचे वाले सब फ़ोटो सिलेक्ट हो गए, तो मैंने यहाँ पे देखा टोटल 9 फ़ोटो सिलेक्टेड है मेरे। तो मैंने इसको सेव कर दिया और अभी मुझे करना है ये सेंड कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी फाइनली मैं आपको ये सेंड करना चाहता, तो मैं आऊँगा यहाँ पर सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये सब फ़ोटो वगैरह दिखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको और 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर समझो ये 2 ऑप्शन है, एक हर्ट का है और एक रोटेट का है। तो रोटेट में आप फ़ोटो रोटेट करके देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। हर्ट जो ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये प्री वेडिंग जो लोग रहते हैं उनके लिए रहता है। जैसे प्री वेडिंग में हम कुछ हाईली एडिटेड फ़ोटो देते हैं उसके लिए वो रहता है, तो वो अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप उसको सिलेक्ट मत कीजिए। तो ये हो गया, मैंने सेव कर दिया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ सेंड। तो सेंड करने के बाद यहाँ पर आपको अप्रूव और सेंड कर देना है। अगर आपको कुछ कमेंट लिखनी है तो आप लिख सकते हो, वरना अप्रूव एंड सेंड कर सकते हो। अभी एक मैसेज आएगा आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर डन है तो ओके पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कैंसिल करके आप वापस जो कुछ करना है कर सकते हो, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया तो वापस नहीं कर सकते। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो ओके पे करके क्लिक करने के बाद देखो मुझे आया योर सिलेक्शन सक्सेसफुली अप्रूव। तो देखो मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसी फ़ोन के ऊपर से मैंने ये जो सब्सक्रिप्शन जो है स्मार्ट सिलेक्शन का वो ख़रीदा है सॉफ्टवेयर, तो मुझे वो व्हाट्सअप आता है कि किस किस क्लाइंट ने क्या क्या सिलेक्ट किया है। समझो ये ओके हो गया। तो देखो ओके होने के बाद आपको ऐसे मैसेज आया, फ़ोटो सिलेक्शन इज़ कम्प्लीटेड। तो ये सब हो गया, तो देखो मुझे मेल भी आ गया उनका और मुझे मैसेज भी आ गया व्हाट्सएप। ये मैसेज आपको नहीं आएगा और ये मेल आपको नहीं आएगा, मैंने सॉफ्टवेयर ख़रीदा इसलिए मुझे आ रहा है ये मैसेज और मेल। तो मैं देखो उस व्हाट्सएप के मैसेज में जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो फोल्डर बनाया था मैंने सैम्पल इवेंट फोटोज़ फॉर स्मार्ट सिलेक्शन डेमो, जैसे ये आपका रहेगा आपकी प्रोजेक्ट का नाम, तो इस प्रोजेक्ट के क्लाइंट ने टोटल उनके इमेजेस है 25, टोटल सिलेक्टेड 9 है, तो इन्होंने इतना सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैंने फ़ोटो सिलेक्ट करके दिया था आपने गलत सिलेक्ट किया, वो मिस्टेक यहाँ पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब सिस्टम डिसाइड करता है।
इसके बाद ही हमारे पीसी में हम जब ये रन करेंगे ये सॉफ्टवेयर, तो वो अपने आप ही ये 9 फोटो सिलेक्ट करेगा, तो ह्यूमन एरर 0 हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखो, अभी आप दोबारा अगर चाहते हो कि मैं अभी आऊँगा और फिर से इस लिंक पे ट्राई करता हूँ सिलेक्शन करने के लिए, फिर से ये ओपन ही नहीं होगी लिंक, डायरेक्टली लिख के आएंगे फोटो सिलेक्शन इज़ कम्प्लीटेड। तो आप एक ही बार में सिलेक्शन कर सकते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो दोबारा देखो, अगर नहीं समझा है तो एक एक स्टेप मैंने स्टेप वाइज बताया है कि कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे कमेंट लिखना है, क्या क्या चीज़ें यूज़फुल है आपको, तो ये सब आपको इसमें पता चल जाएगा। हार्डली 5 to 6 मिनट का वीडियो है, आप एक बार देख लो। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप CRM को कॉल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार वीडियो आपने एक या दो बार देख लिया तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा।